मेहता का उल्टा चश्मा। चल जेठिया। बापूजी, रात को 12 बजे कहाँ टहलने जा रहा है? नहीं नहीं, टहलने नहीं जा रहा हूँ बापूजी, वो जरा बालकनी में जा रहा था देखने अजय भाई दीवान आया कि नहीं। अभी शांति से सो जा, सुबह बात करना। बापूजी, मैं भी टप्पू के पापा को कब से यही कह रही हूँ, लेकिन ये बार बार बालकनी में जा रहे हैं। एक काम कर बहू, इसको बालकनी में ही गादला बिछा दे, ये वहीं सो जाएगा। ठीक है। नहीं, मैं सो रहा हूँ। क्या हुआ, सो जाइए। सोने की कोशिश कर रहा हूँ दया, लेकिन सो ही नहीं पा रहा हूँ। क्यों? बार बार दिमाग में यही सवाल उठ रहा है कि अजय भाई दीवान आए कि नहीं। ओहो, ये 10 करोड़ का रूबी अभी भी आपके दिमाग में घू 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 कर रहा है। ये सिर्फ मेरे दिमाग में नहीं, सोसाइटी में सबके दिमाग में ये 10 करोड़ का रूबी घू 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 कर रहा होगा। देखना, आज पूरी रात सोसाइटी में कोई सो नहीं पाएगा। कोई सोए के ना सोए, आप दिमाग की बत्ती बंद करके सो जाइए। मतलब लाइट बंद करके सो जाइए, वरना फिर से बापूजी आ जाएंगे। अजय भाई दीवान कहाँ होंगे? हाँ, अटक गए। रात को आएंगे कि नहीं? इस रात की सुबह नहीं। वाह, बाहर मस्त बारिश हो रही है। चलो, नींद नहीं आ रही है तो बारिश का थोड़ा मजा ले लेते हैं। बबीता जी, अजय दीवान के घर से? पूछो। नहीं नहीं, उनको लगेगा मैं उनकी जासूसी कर रहा हूं। पर बात समझ में नहीं आ रही है। बबीता जी, इतनी रात गए, अब कहाँ चले गए थे? वो पानी पीने। समझ में नहीं आता, बबीता जी अकेले अजय दीवान के घर पे क्यों गई होंगी? ऐसी क्या वजह हो सकती है कि सुबह तक इंतजार नहीं कर पाए? कुछ तो गड़बड़ है, बबीता जी को फोन करके पूछ ही लेता हूँ। नहीं, कल सुबह पूछता हूँ।
इस गोकुलधाम सोसाइटी में कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अजय दीवान जी, अजय दीवान जी, अरे बाप रे, घर की हालत ऐसी कैसी हो गई? दीवान जी, अजय दीवान जी, अरे कहाँ चले गए? भीले भाई, भीले भाई, भीले भाई, भीले भाई, भीले भाई, भीले भाई, चुछ, चुछ, थोड़ी भाई, थोड़ी भाई, अरे हाथी भाई, जटा भाई, बाहर आओ, बाहर आओ। क्या हुआ अब्दुल भाई? उमर भाई बाहर निकलिए, अय्यर भाई बाहर निकलिए। क्या हुआ अब्दुल? आजा 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 दीवान, अजय दीवान, क्या क्या क्या, क्या हुआ? आप नीचे तो आइए, बताता हूँ जटा भाई। हाँ ठीक है ठीक, हाँ तो हाँ अभी आता हूँ। चलो बेटे भाई जल्दी आइए। हाँ हाँ अरे अरे साले लफड़ा, हाँ क्या हुआ क्या बताओ तो। हाँ भाई जटा भाई जल्दी आइए। अरे क्या हुआ क्या? आइए तो आइए, आइए जल्दी आइए। अरे क्यों लग रहे भाई, ये तेरी छतरी बंद करने लग रही इधर, मेरी छतरी बड़ी, आ जा इधर। हाँ क्या हुआ अचानक? क्या बोल भाई, क्या हो गया? अरे बोलो ना अब्दुल भाई। बताता हूँ, मैं सामान की डिलीवर करने के लिए इस तरफ जा ही रहा था कि मेरी नजर तैयब भाई टेलर के घर पे पड़ी। मुझे कुछ गड़बड़ लगा, मैंने बाहर से आवाज भी दी, अजय दीवान जी, बट अंदर से कोई आवाज ही नहीं आई। तो फिर मैं अंदर गया, अंदर गया तो देखा कि फर्नीचर, सामान, बैग सब इधर उधर पड़ा हुआ था, और अजय दीवान घर में है ही नहीं। अरे 10 करोड़ की रूबी की वजह से अजय दीवान को पहले से ही खतरा था। तो कहीं कल रात अजय दीवान के साथ कोई अनहोनी घटना तो नहीं हो गई? हो सकता है सोड़ी, हो सकता है वो कल रात वाले गुंडे उससे उठा कर लेके गए हो। कौन? चलो देखते, चलो चलो चलो। अरे क्या, चलो चलो भाई, नहीं नहीं वो अंदर नहीं जाएगा। हम अंदर गए और सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ हो गई तो? बराबर। वही जानने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि क्या हुआ है। आत्माराम तुकाराम भिड़े, सेक्रेटरी गोकुलधाम सोसाइटी, है ना? बताइए आप डिटेल में कि यहाँ पर क्या हुआ। मैं बोलता हूँ क्या हुआ। दरअसल कुछ दिन पहले ये हमारे तैयब टेलर जी के घर पे एक आदमी रहने के लिए आया, अजय दीवान नाम का, और शुरू से ही थोड़ा सा वो सनकी लगा हमें, मतलब हर बार गाड़ी और भेस बदलता रहता था। जी पहले दिन तो उसे गुंडे ढूंढने आए थे तो हमको तो उस पर शक हुआ और हम उससे बात करने भी गए। फिर उसने हमारे साथ बात की और उसने भी अपने बारे में हम सब लोगों को बताया, फिर हम सब की उसके साथ फ्रेंडशिप हो गई।
और फ्रेंडशिप में उन्होंने हमें यह भी बताया कि वो राजस्थान के दीवान खानदान से है और उनके पास अपने दीवान खानदान का 90 कैरेट का 200 साल पुराना एक रूबी है जिसकी आज की मार्केट में 10 करोड़ कीमत है। दीवान खानदान का 10 करोड़ का रूबी उसके पास था? हाँ, रूबी था। फिर क्या हुआ? अरे उसने हमें ऑफर भी दिया था कि हम अगर उसका ये 10 करोड़ का रूबी बिकवा देते हैं तो वो हमें 10% कमीशन देगा, यानी कि 1 करोड़ रुपए। जो भी कोई वो रूबी बेच कर देगा उसे 1 करोड़ का कमीशन मिलने वाला। फिर क्या सोचा तुम लोगों ने? हाँ, और उसी सिलसिले में हमने अपने पहचान के व्यापारी को बुलाया था रूबी की डील करवाने के लिए, लेकिन उसी समय गड़बड़ हो गई। कैसी गड़बड़ हुई? हम सब लोग हमारे पार्टी के साथ अजय दीवान का वेट कर रहे थे कि फिर से सोसाइटी में गुंडे आ गए। तो गुंडों को देखकर तुम लोग डर गए और अपने अपने घर भाग गए होंगे, क्यों है ना? जी जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कमाल है, इन्होंने इतना सही अंदाजा कैसे लगाया? अरे इनका रोज का काम है ना, रोज यही करते हैं ये। एसीपी साहब, मैं सवेरे हमेशा की तरह सामान डिलीवरी करने के लिए इस तरफ जा ही रहा था कि मैंने किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाया। दया? हाँ? अरे तुझे नहीं, वो अपनी दया, मेरा मतलब है अपने दया जी को बोल रहे हैं। सॉरी हाँ, सॉरी। दया, तैयब की घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, एक एक कोना छान लो, एक एक कोना, देखो कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। काविन, तुम यहीं पर। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है इस गोकुलधाम सोसाइटी में, हैं? कड़ी नजर रखना इन सब पर, एक एक गवाह है। ठीक है, क्या है? देख, इस घर की हालत को देखकर लगता है यहाँ बहुत जबरदस्त हाथापाई हुई होगी। लगता है अजय दीवान को गायब किया गया है। और सर, 10 करोड़ का रूबी, वो भी कहीं दिख नहीं रहा। अच्छा, 10 करोड़ का रूबी, 90 कैरेट वाला रूबी, तो फिर पता लगाना पड़ेगा दया, दुनिया में ऐसे 90 कैरेट के कितने रूबी हैं और फिर किस किस के पास है 90 कैरेट का रूबी। और हाँ, इस अजय दीवान की कुंडली निकालो। यस सर। अभिजीत को भी बुला लो यहाँ। ठीक है सर, मैं देखता हूँ नीचे। मेरे सवाल का सच सच जवाब चाहिए मुझे। कल रात आप में से किसने आखिरी बार अजय दीवान को देखा था? नहीं, हम लोगों ने नहीं देखा। मैंने तो नहीं देखा, वो रूबी देखा था उसी दिन बस, बाकी हमने नहीं देखा। नहीं, हमने भी नहीं देखा। बबीता जी झूठ क्यों बोल रही है? अजय दीवान को आखिरी बार तो उन्होंने ही देखा है। क्यों भिड़े साहब, बताइए। आखिरी बार परसों रात को जब उसने हमें उसके घर पे रूबी दिखाया था उस वक्त देखा था, लेकिन सभी लोग साथ में थे हम लोग। मुलाकात नहीं हुई। हाँ बस, हम सबने भी उसी टाइम पे उसको देखा था, उसके बाद देखा ही नहीं अजय दीवान को। अभी पता चला कि वो नहीं है। कुछ नहीं पता है किसी को, कुछ नहीं पता। अजय दीवान कल रात को अपने घर में आया था,
उस वक्त तुम में से कोई तो गया था उसे मिलने के लिए, तुम में से कोई तो गया था जिसके साथ उसकी हाथापाई भी हुई। तो बताइए किसने देखा था अजय दीवान को कल रात को आखिरी बार, बताइए। डॉक्टर हाथी आप भी तो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, अजय दीवान भी ग्राउंड फ्लोर पर रहता, आपने जरूर कोई आवाजें सुनी होगी हाथापाई या फिर कोई आहट। क्यों नहीं अंजलि जी, आपका फ्लैट? मैं यही रहती हूँ, ये मेरा घर है, मिसेज अंजलि तारक मेहता। तारक एक्चुअली ऑफिस के काम से बाहर गए हैं तो घर पे है नहीं, पर सर मैंने भी रात को कुछ नहीं सुना। हाँ, हम लोगों को कुछ नहीं पता है, हमारी फैमिली को भी कुछ नहीं पता है। है ना बड़ी अजीब बात है? इस गोकुलधाम सोसाइटी के किसी भी मेंबर ने कल रात को अजय दीवान को देखा तक नहीं, ना उनमें से किसी ने भी हाथापाई की आवाजें या चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी नहीं। नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कमरे के अंदर के सारे सबूत इकट्ठा हो गए सर, और सर अच्छा तो मतलब अपराधी इन्हीं में से कोई एक है, इस गोकुलधाम सोसाइटी के मेंबर में से। कावीन एक काम करो, गोकुलधाम सोसाइटी का मेन गेट बंद करो, और भी कोई गेट होंगे सब बंद कर था। आप में से कोई भी सोसाइटी छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, हमारे परमिशन के बगैर कोई कहीं नहीं जाएगा। और टप्पू सेना, जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं होती तुम सब लोग अंजलि आंटी के घर में बैठोगी। यस सर। चलो चलो बच्चों। इन सबको एक एक करके इंटरोगेशन के लिए लिया, अगर सबूत यहां पर मिला है तो मुजरिम भी यहीं पर है, गोकुलधाम सोसाइटी के मेंबरों में यहीं पर है। चौकिया मत, मैं खड़ा हूं सीआईडी ब्यूरो में, और चौंकने वाली बात तो है क्योंकि सीआईडी पहुंच गई है गोकुलधाम सोसाइटी में। गोकुलधाम सोसाइटी में कदम पड़े उस सीआईडी के जिसके नाम से देश का हर अपराधी थर थर कांपता है, लेकिन यहां हुआ एक ऐसा अपराध जो न सोचा था न समझा था। अजय दीवान गायब है, रूबी गायब है, आखिर ये दोनों गए कहां? सुराग और सबूत छुपे हैं इसी गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर, और अपराधी कोई ना कोई सुराग छोड़ता जरूर है, और उसे पकड़ने के लिए उसे पाने के लिए एक ऐसी काबिल टीम आई है गोकुलधाम सोसाइटी में जिनके नाम से इस देश के हर अपराधी की रूह कांप जाती है, जिनके नाम की दहशत हर अपराधी में है। एसीपी प्रद्युमन, दया, अभिजीत, फ्रेडी, हर व्यक्ति यहां पे ढूंढेगा सुराग और सबूत उस रूबी के बारे में जो मिल नहीं रहा। अजय दीवान जो गायब है, जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाता हर व्यक्ति शक के घेरे में। गोकुलधाम सोसाइटी है एसीपी प्रद्युमन के हवाले, और देखते रहे सीआईडी तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, रोमांच और ठहाके। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.